है, जैसे आप कुछ खाते कुरकुरे, उनके बैकेट सोते ना, और फिर वो ही ऐसे एक बॉटल के अंदर डाल देंगे और हम आज उसका टेंट बनाएंगे। तो कल शुरू करते, बहुत मजा आने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर से निकलने वाला 40% वेस्ट प्लास्टिक रैपर्स का होता है, जो कि इजिली कोई रिसाइकलिंग के लिए नहीं लेता और हर घर में प्रोफ्यूसली अवेलेबल होता है, जो अल्टीमेटली कचरे के पहाड़ में तब्दील होता है और जल और जमीन को प्रदूषित करता है। इको ब्रिक्स ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक रैपर्स या ऐसी फटी पॉलिथिन्स जिनका फर्दर यूज नहीं किया जा सकता टाइटली भर दी जाती हैं, जिससे ना सिर्फ जमीन और जल का प्रदूषण कम हो बल्कि जानवर भी सुरक्षित रहे। इको ब्रिक्स रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे यह छोटे स्टूल, फर्नीचर, गार्डन की बाउंड्री या एक डॉग हाउस बनाने के यूज में लाई जा सकती है। ऐसे हम घर से निकलने वाले टन्स ऑफ प्लास्टिक का यूज कर कचरे के पहाड़ से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मिथेन आदि का उत्पन्न होने से रोक पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण का अंत नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी तीव्रता में ठहराव जरूर लाया जा सकता है। One small act can save your earth and yourself. Think wisely. आप भी ऐसी बनना इको ब्रिक्स, और फिर मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा।